हर घर में पितृ दोष नहीं होता है। जो व्यक्ति पितृ बनता है उसका मोक्ष नहीं होता, वो पितृ होता है और उसकी आपको सदगति करनी पड़ती है। आज हम आपको बताने वाले हैं पितृ मेडिटेशन। इस मेडिटेशन से आपको लाभ होगा और ये जो शब्द हैं हम आपको बताने वाले हैं मेडिटेशन के दौरान आप बोलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, हमें 25 साल का अनुभव है। हमारे इस अनुभव का लाभ उठाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आप ही के काम का है। इसको पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपको क्या करना है, चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाना है एक शांत स्थान पे, एक शांत वातावरण में। जहां आपके घर में शांति का वातावरण है उस जगह आपको बैठ जाना है और आंखें बंद करके उस पितर का मेडिटेशन करना है, उनका जो स्वरूप है उसका स्मरण करना है। आप उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप हाथ बंद करके उनसे ज्ञात अज्ञात कर्मों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और विधिवत उनका श्राद्ध कर रहे हैं। तो आपको ऐसी कल्पना करनी है, वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देने को आतुर हैं। आशीर्वाद के रूप में आपको जो चाहिए उनसे मांग सकते हैं। पितृ मेडिटेशन बहुत कारगर होती है और बंधे पितृ भी इस मेडिटेशन को इससे खोल सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है। लेकिन जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको एक मास्टर स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी है और आपको बार बार ये बोलना है, 10 बार तो एटलीस्ट बोलना है। ये वर्ड है टुगेदर, 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 10 बार हो गया। इस तरह से चैंट द मास्टर स्विच वर्ड 10 times टुगेदर। इससे आपको ज़बरदस्त साइलेंस कुछ देर के लिए महसूस होगी और ज़बरदस्त शांति का वातावरण अपने आसपास उपस्थित हो रहा होगा। आप किसी भी कलर का इमेजिनेशन कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पर ला सकते हैं और कुछ शब्द हैं जो आपको बोलने चाहिए और डीप ब्रेथ आपको इस दौरान लेनी है और इनहेल करनी है, इन आउट करनी है, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और आप ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है, इसको आप दोहराएं। जैसे आप पितरों की मुक्ति चाहते हैं, बंधे पितरों को खोलना चाहते हैं, वो भी विजुलाइज़ करिए। आँखों को बंद करिए और ओपन करिए और इसमें आप अपनी फीलिंग पर अटेंशन देना है आपको, जो अगर आप देना चाहते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं वो स्विच वर्ड आपको टुगेदर के साथ बोलने हैं। वो टुगेदर के साथ आपको एक शब्द बोलना है, वो है पीस, 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 यानी शांति, शांति, शांति। हिंदी में भी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी बोल सकते हैं। टुगेदर पीस, टुगेदर पीस, टुगेदर पीस, टुगेदर पीस, टुगेदर पीस, टुगेदर पीस, टुगेदर पीस आपको बोलना है। लव भी बोल सकते हैं, टुगेदर लव, टुगेदर लव, टुगेदर लव, टुगेदर लव, टुगेदर लव भी बोल सकते हैं। ये स्विच वर्ड आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे और आप जिस पर्पज़ से ये स्विच वर्ड बोल रहे हैं इनसे आपको लाभ रहेगा। तो पितृ मेडिटेशन कर सकते हैं आप, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। विजुअलाइज़ करना है, स्विच वर्ड बोलते समय विजुअलाइज़ करना है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी इमेज लानी है आपको। उनका नाम का स्मरण भी कर सकते हैं और उनका चेहरा किस तरह से था उसको भी आप मेमोरी में ला सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपके लिए उपयोगी होते हैं। थैंक यू सो मच।